प्रतिभा, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीजीटी के सभी विषयों के रिजल्ट आ चुके हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट को इंटरव्यू का मौका भी मिल चुका है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है इस कंपटीशन भरे युग में। तो सबसे पहले तो जिन एस्पिरेंट को इंटरव्यू के लिए कॉल आया है उनको मैं ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां देना चाहूंगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपने इंटरव्यू में भी इतना ही अच्छा करके आए ताकि आप अपनी एक नौकरी, अपनी एक सीट पक्की कर सकें। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे एस्पिरेंट की जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, काफ़ी सालों से वो मेहनत कर रहे हैं, फिर भी वो सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं और उनको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया और वो काफ़ी निराश हैं। मैं रोज़ अपने चैनल पर कुछ कमेंट देखती हूँ जिसमें अभ्यर्थी अपने दुख दर्द बताते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इस एग्ज़ाम से, मेरे परिवार को काफ़ी सारी उम्मीदें थी, मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और अब मेरा मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। ऐसे ना जाने कितने कमेंट हमारे पास आए और आज इसीलिए ये वीडियो भी मैं बना रही हूँ। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि आपके एक एग्ज़ाम को क्रैक ना कर पाने से ये तय नहीं होता कि आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपके अंदर लगन है, मेहनत है और आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और इस साल आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। अभी एलटी ग्रेड की वैकेंसीज निकलना तय है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती निकलना तय है। उसके अलावा हो सकता है कि चुनावी माहौल है तो टीजीटी पीजीटी के नए पदों पर भी वैकेंसी निकल जाए, जिस पर बहुत दिनों से चर्चा चल रही है। तो आपको निराश नहीं होना है, आपको कंटिन्यूस मेहनत करते रहना है। एक एग्ज़ाम से आप सफल होंगे कि नहीं ये तय बिल्कुल भी नहीं होता, तो आपको ये मान लेना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। हमारे चैनल का उद्देश्य ये है कि हम आपको लर्न करने पे विश्वास दिलाएं, हम आपको विश्वास करने पर विश्वास दिलाएं। जी हाँ दोस्तों, यू जस्ट हैव टू बिलीव टू लर्न, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है, सीखने पर विश्वास रखना है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अब मैं उन एस्पिरेंट से एक विनती करना चाहूँगी या जो टीजीटी में अभी सिलेक्शन लेने वाले हैं उनसे भी, और जिनका सिलेक्शन होने वाला है पीजीटी में या इंटरव्यू के लिए कॉल आया और फाइनल रिजल्ट पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उन सभी से मैं प्रे करना चाहूँगी कि आप अपनी कमाई का कुछ परसेंटेज ज़रूर गरीब बच्चों की शिक्षा में लगाएं, क्योंकि जब आप ये काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो जीवन का लक्ष्य है वो तब पूरा होगा। हमने भी अपने चैनल और अपने आप लोगों के सहयोग के माध्यम से ये कार्य किया है, जिसकी एक छोटी सी झलक हमने वीडियो में दिखाई थी। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट उसे नहीं किया जितना हमें उम्मीद थी कि आप सपोर्ट करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे तब हम करेंगे, तो आपको हमेशा फाइनेंशियली मदद नहीं करनी होती, आपको मॉरल सपोर्ट भी करना होता है। अगर आप प्रेजेंट टाइम पे फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते बच्चों की, जो आपको हमें बिल्कुल भी नहीं करना, आपको फाइनेंशियली हमारी मदद नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ मॉरल सपोर्ट देना है जिससे कि हम बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छे काम कर पाएँ। और उसके लिए आपको कोई भी पैसा या कोई भी मनी नहीं देना है, आपको सिर्फ अपना 1 से 2 मिनट उस वीडियो को देखने में और उस वीडियो को शेयर करने में लगाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, इन बच्चों को ब्लेसिंग्स मिले और हमारे साथ ज़्यादा परिवार जुड़ पाए, ज़्यादा लोग हमारे परिवार से जुड़ पाएँ और हम अपने बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में और ज़्यादा कार्य कर पाएँ। तो भले आप इस समय उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपका एक शेयर भी उनके लिए बहुत कीमती होगा। आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आपको आई बटन पर दिया गया है, आप उसे ज़रूर देखें। बहुत सारे लोग इसमें भी नेगेटिविटी निकालते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे व्यक्ति होने के कारण ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नमस्कार।